दगड़ियों नमस्कार, आप लोग सुनना छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं छो मोहन कार्की, मित्र बटी विजयादशमी ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी या दशहरा हिंदू प्रमुख त्योहार छो। पंचांगक अनुसार असौज मासिक शुक्ल पक्ष एक दशमी हूँ विजयादशमी अथवा दशहरा के रूप में यो पर्व देश भर में मनाई जा। पूरे देश में विजयादशमी पर्व बहुत धूमधाम मनाई जा। ये दिन कही जा कि भगवान राम लंकापति रावणक वध करवीर विजय प्राप्त करवीर अपन अयोध्या वापस आई। सत्य जीतक साथ साथ है दशहरा बुराई पर अच्छाइयों जीतक प्रतीक ले छू। ये दिन अलग अलग स्थानों में रामलीला आयोजन करी जा और जग जग पर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इनर बधक प्रदर्शन ला करी जा और क्षेत्रीय लोग अपन अस्त्र शस्त्रों पूजा ला करने मंदिरों में ये दिन विशेष कार्यक्रम ला आयोजित करी जाने। कई जा कि ये दिन नीलकंठ भगवानों दर्शन ला बहुत शुभ मानी जाने। ये त्यौहार क्षेत्रीय त्यौहार ला मानी जा। दशहरा विजयादशमी नवरात्रि बाद दसवां दिन में यो मनाई जा। ये पर विस्तृत में अपन विचार धरने श्री हेमंत बिष्ट जी, उत्तराखंड राज्य गीता लेखक साहित्यकार और भूतपूर्व अध्यापक जो कि अध्यापन कार्य दगड़े जुड़ी रही। कुमाऊं वाणी सब सुधी श्रोताओं के मैं हेमंत बिष्ट प्रणाम निवेदित करनू और विजयादशमी पर्व अनंत असीम शुभकामनाएं समर्पित करनू। विजयादशमी धार्मिक दृष्टि आत्मशुद्धि पर्व छ। पूजा अर्चना आराधना और तपोमय जीवन साधना ये एक अंग छन। राष्ट्रीय दृष्टि सैन्य शक्ति संवर्धनक यो त्यार छ। शस्त्रों सुसज्जा लेखा जोखा और परीक्षण यही दिन बटी शुरू होने भय। नवरात्रि महोत्सव आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति विजयक प्रतीक भय। मानव मन के आध्यात्मिक प्रेरणा दिनेक शक्ति पर्व समूह भय। देविक नौ रूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री हम ध्यान करनू पूजा अर्चना करनू। स्कंद पुराणा कालीखंड में नौ शक्तियों उल्लेख मिलू। शतनेत्रा सहस्रास्या अयुद्भुजा अश्वरूढ़ा गणास्या त्वरिता शववाहिनी विश्वा और सौभाग्य गौरी। अगर दक्षिणी भूभाग पर हम नजर डालनू तो वन दुर्गा शूलिनी जात देवा शांति शबरी ज्वाला दुर्गा लवणा आसुरी दीप दुर्गा यो नौ दुर्गाओं पूजनेर भय। शारदीय नवरात्र श्री राम एक जय यात्रा प्रतीक छिन और शक्ति पर्व छ विजयादशमी। शक्ति अधिष्ठात्री देवी दुर्गा नव स्वरूपों नवरात्र पूजनक बाद आश्विन शुक्ल दशमी हूँ यह एक समापन मधुरेण समापयता कारण दशहरा कहलाई जा। और नवरात्र पाप प्रक्षालन आत्मशक्ति संचय कर आत्म विजय पाणा के लिए शक्ति पूजनक पर्व है। उ अनुष्ठानिक सफलता पूर्वक समाप्तिक उपासना प्रतीक दशम है। जैसे वैदिक अनुष्ठानों में त्रिक तीन एक प्रधानता छ, उसके आदि शक्ति को उपासना में दस संख्याओं बहुत महत्व छ। दसों दिशाओं ऊर्ध अध पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्निकोण ईशान कोण वायु कोण और नैऋत्य कोण में आदि शक्ति कहते प्राबल्य भय। आदि शक्ति को उपासना क्रम में दस महाविधाओं काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती बगलामुखी मातंगी और कलात्मिका ध्यान सिद्धि में परम सहायक हूँ। अगर यौ रूपों में एक रूप एक आराधना ले हम भली के कर लेनू तो दसों पापों में हम मुक्त है जानू। दस पाप यानी कायरता भीरुता दारिद्र्य शैथिल्य स्वार्थपरता परमुखोपेक्षिता निष्क्रियता असावधानी असमर्थता और वंचकता। अरे दस ख्वारों वाल रावणक संहार भगवान रामेल
शक्ति महती साधना ले करो छी। तो हमार 10 इंद्री आँख नाक कान जीभ हाथ खुट गुदा उपच जीवा यो त्वचा यो बस में करी जा सकनी अगर हम अर्चना करूं शक्ति उपासना करूं। आजोक दिन उसी लग बहुत महत्वपूर्ण छ। देवराज इंद्र आज के दिन महादानव वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करी। पांडवों अपन प्रथम अज्ञातवासिक अवधि समाप्त कर बेर द्रौपदी वरण आज के दिन करो। महाभारतक युद्ध ले आज के दिन में शुरू हो। पुराण जमान में चौमास में युद्ध नहीं होने भे तो सब शस्त्रों के शस्त्रागार में सुरक्षित धर देने भे। विजयादशमी दिन उन शस्त्रों को शस्त्रागार में बिहार ले बेर उन्हें पूजा अर्चना करी जाने भे और फिर क्षत्रिय राजा यही दिन सीमोल्लंघन करने भे। डॉक्टर राजबली पांडेल एक लेख में लिख रखो कि क्षत्रिय यो दिन शस्त्रों पूज कर निर्भय और अपराजिता देवी पूज कर बेर राज्यिक सीमा लागण आवश्यकी मान निर्भय। उन यो मान निर्भय प्रतापशाली जतुगले राजभय कि दसों दिशाओं में सीमा वे भ्यार हों जाल मतलब अपन सीमा के बढ़ून अपन राज्य के बढ़ून। आज ले अगर हम महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ सीलंगन अर्थात सीमोल्लंघन पूज करी जाए। ब्याल के वहाँ जतुगले महिला होनी नई नई वस्त्र पहनी सजधज बेर एक शमी वृक्ष हुआ वीक पात तोड़ बेर लूनी मतलब वीक यो प्रतीक मानी जा कि शमी वृक्ष का सुन मानी जा सोना लूट बेर लूनी हो भाई। तो वही प्रथा प्रतिरूप है और शमी वृक्ष में ऋषियों तपस तेज ले मानी जा। और अंत में संदर्भ हेतु श्री तन सुखराम गुप्त जी और डॉक्टर राजबली पांडे जी प्रति आभार। यो त्योहार भगवान श्री राम कहें तो कोशकू जे में लंका में 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलो। तत्पश्चात अहंकारी रावण के मारी गो और माता सीता के रावण कैद बटी मुक्त कराई गो। वहीं ई दिन माँ दुर्गाल राक्षस महिषासुरोगल संहार करो इस अगली जिले की विजयादशमी रूप में मनाई जा और माँ दुर्गा पूजा ले करीजे। मानी जा कि भगवान श्री रामजूल माँ दुर्गा पूजा करवीर शक्ति का आह्वान करो। भगवान श्री राम एक परीक्षा लेते हुए पूजा में जो धरी हुई कमला फूल छे उनमटी एक फूल गायब कर दे। किले की श्री रामचंद्र जी के राजीव नयन यानी कमलों नयनों वाल लकई जा। इस अगली जी उन्होंने अपन एक नेत्र माँ के अर्पण करना निर्णय ले। जैसे वो अपन नेत्र के निकालना के लिए तैयार हैं तो देवी प्रसन्न है वीर उन्हा समक्ष में प्रकट है और उन्होंने एक पश्चात राम के विजयी होने को वरदान दे। यो मानी जा कि एक पश्चात दशमिक दिन प्रभु श्री रामेल रावण वध करो। भगवान रामेक रावण पर और माता दुर्गा महिषासुर पर जीत ले। ये त्योहार के बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्मिक विजय रूप में देखी जा और अपन विचारों हमको अवगत कराल नवीन बिष्टजू जो कि वरिष्ठ साहित्यकार छन लेखक छन और एक सामाजिक कार्यों दगड़ी अपन ज्यादा लगाव धरनी उन अपन विचार दशहरा संदर्भ में दिया। सब श्रोतागण का नमस्कार। तो मित्रों यदि हम इतिहास में जानूं तो 1860 बटी हमारे यहाँ अलमोड़ में रामलीला की शुरुआत भेज और बाद में दशहरा महोत्सव विशाल रूप में हमारे सामने आया। तो मैं आपको कह बतूने छी कि दशहरा महोत्सव विजयदशमी पर्व सही मायनों में अगर आप पूछा जस किस्म अलमोड़ में मनाई जा यह विश्व भर में दुनिया भर में यस किस्म जहाँ अलमोड़ा जस दशहरा हो।
तो यहाँ रावण परिवार पुतले बढ़ाए जानी और उनके अपन अपन मोहल्ले बटी ले भेर लल बाजार शिखर तिराहा या यो कई जो कहें कि जो नगर पालिका टैक्सी स्टैंड छूँ वीक पास सब जमहुनी और विधिवत वीक उद्घाटन हूँ वीक बाद वीक प्रोसेस हूँ सब ने भेर अखिल बटी ताड़िका पुतल और सब ने भेर लास्ट में रावण पुतल करीब द्वि दर्जन हबेर सकर पुतल यहाँ बढ़नी और जग एक यश परम्परा छूँ कि एक जाग पुतल ठड़ कर दी जानी और वे उत्ती गए जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके अपन तीर मारनी बाण मारनी वीक बाद उनका अंगदी का समर्पित कही जाए दशहरा दशहरा दिन विजयदशमी दिन। तो यहाँ पूर्व नगर में और एक विशेषता जो आपको मैं बताऊँ यहाँ जो पुतल छून हेतु सुंदर हेतु सजीव बाणी उसमें जतुकला हमारे यहाँ के लोग चिन्ह नहीं नहीं नन अबेर नन और ठुल अबेर ठुल लोग उमकन्यों में हस्त लाघव यहाँ की जो कलात्मकता छूँ जो कला छूँ जो हस्तकला छूँ उमें दिखी कि कतु सुंदर यहाँ लोग रचना करनी बस किस्मों के यहाँ लोग नोक जो छू वीक प्रति समर्पण भाव छूँ। तो और एक सर्वधर्म संभाविक यो एक यश उदाहरण छूँ यश गंगा जमनी तहजीब छूँ। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम लोग दगड़े दशहरा में शामिल होनी बड़ूनी पुतलन का बड़ून में कलात्मकता उनको सौंदर्य प्रदान करना जी यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग छन उलह करनी। एक बार पुनः आप सब लोग उनका धन्यवाद सब उनका विजयदशमी बधाई शुभ हो मंगलकारी हो ऐश्वर्यकारी हो भगवती और राम जी सबन पर कृपालु हो। विजयादशमी दशहरा बुरे व्यवहार पर भल व्यवहार एक जीत एक खुशी में मनाई जा। दशहरा एक जीत और जश्नक रूप में मनाई जा लेकिन जश्न एक मान्यता सब जग अलग अलग छ। उदाहरण के रूप में किसानों के लिए और नई फसल ओनक जश्न छ। पुराण समय में ये दिन औजार और हथियारों पूजा करी जाए किले की पौराणिक समय में लोग औजार और हथियारे युद्ध के जीत छे लेकिन मुख्य कारण यह छू कि बुराई पर अच्छाई जीत। आजकल के समय में बुराई कई रूप में है सके जैसे क्रोध झूठ दुश्मनी जलन दुख ईर्ष्या बलात्कार इत्यादि। इन्हें विचारों के साथ मैं आपको सब लोगों ने यही विनती करूँ कि अपन मनक कुविचारों पर सुविचारों विजय रूप में लिए विजयादशमी के अंगीकार करला और कोई न कोई इस बुराई रूपी रावण के अच्छाई रूपी राम द्वारा जी दिलावीर अपन जीवन के धन्य बनाला। दिला आयल ये कार्यक्रम के संपन्न करने की इजाजत फिर होल मुलाकात तब तक तो आग लीजिए नमस्कार।